हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए डाली मैडम, ओनिका जी और हमारी बेटियों की तरह भानु जो मेरे साथ न्यूली वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है, हम सभी लोग आपसे आज बात करना चाहते हैं। आज महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे है। आप सबको इल्म है कि जम्मू की आवाम ने यूनाइटेडली एक लड़ाई लड़ी थी और उन दिनों मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और सिविल सोसाइटी यूनाइट होके उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिमांड करेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे लास्ट किंग थे हमारी स्टेट के, उनके बर्थडे पे छुट्टी होनी चाहिए। और जो यूथ ने और जम्मू की आवाम ने ये लड़ाई लड़ी, जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आज 23 सितंबर को पूरे स्टेट के अंदर, पूरी यूटी के अंदर, मैं इसको कभी स्टेट नहीं कहता हूँ क्योंकि ये बेसिकली रीजन है और ये रीजन पहले एक मुल्क होता था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इस रीजन को हमारे से स्नैच करके आज की डेट में हमें यूटी का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी जो हम सबके दिलों की धड़कन है, उनका, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, वेणुगोपाल जी का और हमारी स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं करा साहब, सोलंकी साहब और सभी जो माननीय हमारे लीडर्स हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पे और भानु जी पे कॉन्फिडेंस रिपोज किया और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और हम ये समझते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली, रिलीजियसली और पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से इसको निभाने की हम कोशिश करेंगे। मैं आप मीडिया के लोगों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमेशा राहुल जी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात और हमारे जो नेतागण टाइम टू टाइम जब भी जम्मू में आए या स्टेट के अंदर आए, उनकी बात आप आवाम तक ले जाते हो, आवाम तक पहुंचाते हो। हमारी जो ये मैडम हैं यहाँ बैठी हुई डाली जी, ओनिका जी, ये आप लोगों के साथ गाव बातचीत करती रहती हैं और अपने जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी की जो जो इश्यूज होती हैं उन इश्यूज पे हमेशा बात की जाती है। राहुल जी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा अभियान चलाया, सभी लोगों को ये मालूम है कि महात्मा गांधी पहले इंसान थे, पहले देश भगत थे जिन्होंने भक्ति की और पूरे देश के अंदर भ्रमण किया। उस भ्रमण का नतीजा ये हुआ कि देश हमारा आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली और जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद अंबेडकर साहब जो उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिस कमेटी ने हमें संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओपनिंग उसके वर्ड्स हैं, जो उसका प्रीएम्बल है, वो आप सभी लोग जानते हो। हम सेकुलरिज्म में यकीन करते हैं, हम सोशलिज्म में यकीन करते हैं, हमारे सबके अंदर एक ब्रदरहुड है, एक प्यार है और वो जो प्यार की मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान जो है वो सजाई हुई थी देश के अंदर, उसका मेन जो मकसद था वो मकसद ये था कि हर एक फिरके के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक कास्ट के लोग यूनाइटेडली मिलजुल करके इस देश की तरक्की करवाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, देश के होम मिनिस्टर हमारी स्टेट के अंदर, उन्होंने कल किसी रैली में किसी जगह पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान 8 तारीख को बंद हो जाएगी। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस स्टेटमेंट ऑफ द होम मिनिस्टर।
दिस इज अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ ए पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब ये स्टेटमेंट मैंने सुनी तो मैंने कहा, होम मिनिस्टर साहब, राहुल जी ने ही इस देश के अंदर हर रिलीजन के लोगों को इकट्ठे जोड़ा हुआ है। उन्होंने मोहब्बत जो है, मोहब्बत वर्ड उन्हीं का यहाँ पे हमारी सोसाइटी को दिया हुआ है, हमारे देश को मोहब्बत वर्ड उनका दिया हुआ है। और ये जो आप झूठ फैलाते हो, आपकी सिस्टम, आपकी पार्टी का की फाउंडेशन ही झूठ है, और ये जो झूठ है आपका 8 तारीख को एक्सपोज होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, ये अलायंस मैं ये समझता हूँ अल्टीमेटली एक सरकार की शक्ल में 8 तारीख के बाद आपको अपने आप नज़र आएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सेकुलर फोर्सेस यूनाइट होंगी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूनाइट होंगी, और हमारी स्टेट को राहुल जी की मोहब्बत की दुकान जो है वो एक सरकार के रूप में हमारे सामने आएगी। देश था, मैंने पहले शुरू में आपको कहा, 1947 के पहले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का जो रीजन है, लद्दाख पूरा रीजन, गिलगित, ये एक मुल्क था, एक कंट्री था। इस कंट्री के महाराजा महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने ये उस समय जो कंट्री अपना था, इस कंट्री को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये सबको मालूम है, ये कहीं पे कहीं कोई चीज़ इसमें छुपी नहीं है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, हम 1947 के देश के बशिंदे हैं, हम इंडियन नेशनल्स हैं। हम जब पासपोर्ट हमारा जब हम बनाते हैं तो हमारी नेशनैलिटी इंडियन लिखी जाती है। मुझे ये समझ नहीं आई, ये यूट कहाँ से फैलाया गया कि 5 अगस्त 2019 को एक इंप्रेशन दिया गया कि शायद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो है इसका एक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया गया। वही चीज़ ये फैला रहे हैं, चाहे आप जम्मू सूबे के अंदर देखिए, चाहे आप कश्मीर रीजन के अंदर देखिए, ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको डिवाइड किया जाए, सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट नहीं होने दिया जाए। लेकिन हमारी स्टेट की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम आज की डेट में पूरी हर ढंग से यूनाइटेड है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम्स हैं, चाहे हम सिख्स हैं। आप देखिए, आपको जब आप लोगों के बीच जाओगे, यूनाइटेडली हम सभी लोग मिलजुल करके एक खुशहाल और स्ट्रांग जम्मू कश्मीर स्टेट बनाना चाहते हैं। इसको हम यूनियन टेरिटरी ना देखना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं ये आने वाले टाइम में कभी यूनियन टेरिटरी रहे। आज इलेक्शंस जो हैं ये फेस्टिवल है, इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो आज हमारे से छीने गए हैं। 2014 के बाद स्टेट के अंदर इलेक्शंस नहीं हुई है, 10 साल हो गए। 10 साल पहले जो लोग 20 साल के थे, 20 और 30 के बीच उनको कोई इलेक्शन ही नज़र नहीं आई। इस 10 साल के पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी ग्रोथ हुई, आप खुद देखिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके जिसमें आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो, मुझे कल कोई कह रहा 25% पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मैं कभी इसको यूनियन टेरिटरी नहीं कहता, क्योंकि राहुल जी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, और हमारे मैनिफेस्टो में खड़गे साहब ने भी ये बात बोल रखी है कि हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी, और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की लीडरशिप में जो है वो रेज की जाएगी, पहुंचाई जाएगी, और जम्मू कश्मीर को एक अच्छा जो स्टेट का दर्जा है वो मिलेगा। लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्टोर होंगे, यूथ को जो अपने एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट राइट्स मिलेंगे। मैं आपको फिर से फॉर द सेक ऑफ रेपिटिशन एक बात बताना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह, जिनका आज बर्थडे है, और पूरी स्टेट के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत सी जगहों पे उनका बर्थडे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है,
और हमारे स्टेट को भी आज की डेट में एजिटेशन के बाद एक गस्ट हॉलीडे मिली है उनके बर्थडे पे। वो इतने रेवोल्यूशनरी किंग थे, मैं उनको रेवोल्यूशनरी किंग। इस कार्यकारी अध्यक्ष भानु महाजन जी हैं और वो आपको संबोधित करेंगी, यहाँ के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए, उनका जिस मजबूती से वो काम करती आई हैं और पार्टी ने उन्हें उनकी उनकी निष्ठा, उनकी मेहनत को देखते हुए जो पदभार उन्हें सौंपा है, उसके लिए मैं उन्हें फिर से पुनः बधाई देती हूँ और उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आपको संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। सारे को पहले मैं सारे जम्मू कश्मीर के निवासियों की महाराजा हरि सिंह बहादुर दे इस जन्म उत्सव ऊपर मेरी तरफों सारे की लखा लख बधाइयाँ। साथियों, सारे जानने हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सदा सदा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सदा सदा इस देश में काम किया है और आज मुझे भानु महाजन को, आपकी जम्मू की बेटी को, इस पावन धरती की बेटी को, माता रानी की धरती की बेटी को जो पार्टी ने आज ये सेवा सौंपी है, मैं इसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी जी का, हमारे लीडर्स मीर साहब, करा साहब, भल्ला साहब और ताराचंद जी का, और तमाम मेरे कांग्रेस के लीडर्स का और सारे मेरे कांग्रेस परिवार का। तो ताकत बढ़ेगी, मिलकर के चलेंगे तो अवसर मिलेंगे, मिलकर के चलेंगे तो ऊंचाइयों को छुएंगे। आज ये जो पार्टी ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है, हमारा धर्म बनता है कि हम सब मिलकर के हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की सेवा करें। हमारे लोग चाहे जिस भी धर्म से हों, जिस भी जाति से हों, हमारा दायित्व बनता है कि हम सब बढ़ चढ़कर अपने लोगों के लिए पूरी ताकत से खड़े रहे। जब भी समाज में कभी अन्याय हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने लोगों के साथ खड़ी रही और बलिदान दिए। आओ हम सब मिलकर के, महिलाएं, युवा, सभी लोग जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का चुनाव करें। 10 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में यह सुनहरी अवसर आया है। हम सब ने मिलकर के इस अवसर को गंवाना नहीं है और कांग्रेस पार्टी को, हमारे अलायंस को पूरी मजबूती के साथ जिताना है। सबने मजबूती से कांग्रेस पार्टी को वोट देने हैं और एक ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अपने विधायक चुनने हैं। जितने अधिक से अधिक हमारे विधायक होंगे, एक मजबूत ताकतवर सरकार बनेगी और जितनी ताकत इस सरकार के पास होगी, उसी ताकत से, उसी शक्ति से हमारे लोगों की वो सेवा करेगी। एक बार पुनः मैं अपनी पार्टी का, हमारे साथ डॉली जी हैं, ओनिका जी हैं, मैं तमाम महिला शक्ति का, आज जो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, जी बिल्कुल महिला, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, सदा सदा जो विजन कांग्रेस पार्टी का रहा वो राजीव गांधी जी के जो विजन था। आज हम सब जानते हैं कि पंचायती राज में भी 33% महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया और सदा सदा कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए हमेशा काम किया। एक बार पुनः मैं तमाम लीडरशिप का, तमाम मेरे कांग्रेस जम्मू कश्मीर के परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपनी जम्मू की इस बेटी को जिस ओहदे पे बिठाया है, और मैं भी इस माता रानी की धरती की बेटी
पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से अपने लोगों को ये कहती हूँ कि पूरे ताकत से मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी, अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहूँगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।